नमस्कार जोहार, मैं हूँ धर्मवीर सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। झारखंड और बिहार में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब हमारे पत्रकारों ने, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कुछ अस्पतालों का जायजा लिया है। आइए देखते हैं कि क्या स्थिति है इन अस्पतालों की। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मरीज के परिजनों से जिनको क्या कुछ परेशानी है ये जानते हैं। जी, आपका कौन यहाँ पे एडमिट है? पत्नी। आपकी पत्नी आशा देवी। क्या दिक्कत है उनको? उसका बच्चेदानी निकालना है। तो दिक्कत क्या है आपको यहाँ पे? दिक्कत है कि वो डॉक्टर साहब ले लिए, अब कब टाइम देंगे, कब ऑपरेशन करेंगे ये तो हम नहीं जानते। हम लोगों को बोला यहाँ शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट कर दिए हैं। ऐसे खाना भी दे रहे हैं पेशेंट को और जरा चेक फेक जो है वो कर रहे हैं। बोले दो बोतल खून का इंतजाम। जांच वगैरह सब हो गया, जमा कर दिया। कहाँ से हुआ? सब बाहर से हुआ, जितने भी जांच ना, एक दो वो यहाँ भी हुआ, बाकी बाहर से अल्ट्रासाउंड और बाहर से हुआ। और दवा वगैरह तो अभी सब कोई खास नहीं लग रहा, जो भी लग रहा है एक दो वो लिखा तो बाहर से लिए हैं टेबलेट, सब बाहर से लिए हैं। मतलब हॉस्पिटल अस्पताल में जो व्यवस्था है वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या इस तरह का व्यवस्था सही है? अभी तो सर कल हम आए किए हैं, अब क्या हमारे साथ सलूक होगा तब ना पता चलेगा। क्या नाम है आपका? भले सर साहब। कहाँ से आए आप? हम झरिया से। आइए अब बात करते हैं ऐसे मरीजों से जो यहाँ करीब पिछले 25 दिनों से भर्ती हैं और उनका इलाज जो है काफ़ी गलत ढंग से किया जा रहा है, उनको किसी तरह का कोई राहत नहीं मिला। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुशीला। कितने दिनों से भर्ती हैं यहाँ पे? यहाँ समझिए एक महीना हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? वही बच्चरदानी वाला ऑपरेशन कराने का था, दिक्कत था बहुत ऑपरेशन का। तो डॉक्टर साहब क्या बोले कि ऑपरेशन करेंगे? नहीं, ऑपरेशन हो गया। हाँ। ऑपरेशन होगा, कल टाका कटेगा। अच्छा, आपको दिक्कत क्या है यहाँ पे? अभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ कोई चीज़ की हमारा दिक्कत नहीं है। जब भर्ती हुए थे तो डॉक्टर साहब कितने दिन में आपका ऑपरेशन किए? ये ऑपरेशन करा एक आज 8 दिन हुआ ऑपरेशन करना और एक महीना हम झूलें झूलते थे। हाँ, एक पक्का एक महीना हम झूलें, एक महीना पर हमको ये आज के दिन में भर्ती हुआ, ऑपरेशन हुआ, आज 8 दिन हुआ हमारा। दवा वगैरह कहाँ से लेते हैं? दवा कुछ नहीं देता है, कुछ डॉक्टर बाहर से भी लिख के देता है दोनों तरफ से। जांच तो ही हो रहा है, बाहर से कुछ जांच नहीं हुआ? नहीं, सब ही जांच हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोल्हान में गरीबों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला MGM अस्पताल आज खुद ही बीमार हो चुका है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा जो है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। यहाँ पे इलाज के साथ ही साथ डॉक्टर्स, यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में भी भारी कमी है। दरअसल यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स के कुल 78 पद सृजित है, जिस पर मात्र 10 चिकित्सक ही वर्तमान में कार्यरत है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट्स के कुल 97 पद सृजित हैं, जिस पे कि देखा जाए तो इस समय मात्र जो है 20 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। इसके साथ ही 254 ए ग्रेड नर्स के बदले यहाँ पर मात्र जो है 49 नर्स ही जो है वो काम कर रही हैं। इस पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि आज के डेट में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल की बागडोर अपने हाथ में संभाल रखी है। चलिए हम आपको अस्पताल के अंदर ले चलते हैं, यहाँ के इमरजेंसी वार्ड में ले चलते हैं और आपको यहाँ की जो है ना हकीकत से थोड़ा रूबरू कराने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ के इमरजेंसी वार्ड में हम कुछ मरीजों से बात करने का प्रयास करेंगे, उनके परिजनों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका आखिर अस्पताल की सुविधाओं के बारे में क्या कहना है। देखिए, हम यहाँ पे अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आप क्या यहाँ पे इलाज कराने आए हैं? तो यहाँ पे जब आप इलाज कराने आए हैं तो आपको बेड की सुविधा मिली है क्या? हाँ, सुविधा मिली है। बेड के साथ ही मतलब चिकित्सक जो है पर्याप्त संख्या में है, बुलाने पर मतलब समय पर इलाज हो रहा है? हाँ, इलाज हो रहा है, समय हो रहा है। चलिए, अभी जो है हमारे साथ जो है अभी हमारे कैमरामैन अंदर जाएंगे, अभी जिनसे हमने बात किया ये तो अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नज़र आए हमें, लेकिन हम अंदर की व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे।
अंदर थोड़ा आप कैमरा थोड़ा घुमाइएगा। ये जहाँ पर अभी हम इस वक्त खड़े हैं, ये अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आने जाने का रास्ता है, जो आप देख सकते हैं इस तरफ कि कितना अभी कंजेस्टेड है, जिससे मतलब मरीजों को भी परेशानी हो सकती है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं भली भांति। अभी हम आगे और भी मरीजों से बात करना चाहेंगे। देखिए, ये हमारे अस्पताल का जो सदर अस्पताल, सॉरी माफ़ करिएगा, MGM अस्पताल का ड्रेसिंग रूम है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सरकार ने कुल 37 पद जो है ड्रेसर के सृजित कर रखे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल में मतलब 560 बेड के अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में वर्तमान में केवल एक ड्रेसर जो है वो कार्यरत है। ऐसे में कि कोई भी बड़ी दुर्घटना होने पर जो अस्पताल में जो है मरहम पट्टी तक में जो है काफ़ी परेशानी का सामना मरीजों को करना पड़ता है। आपको बता दूं, कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में एम्बुलेंस नहीं मिलने को लेकर के परिजनों ने 2 दिन पहले जमकर बवाल काटा था। 4 अक्टूबर को भाव भंडार से बच्ची का इलाज कराने आए परिजनों ने एम्बुलेंस मिलने में 36 घंटा देरी होने के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 42 एम्बुलेंस जो है सरकारी सेवाओं के लिए बहाल की गई है, जिनमें से 25 एम्बुलेंस 108 थी, बाकी के 17 एम्बुलेंस जो है वो जो है सांसद विधायक फंड आदि से जो है संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में इसमें से अधिकांश एम्बुलेंस जो है वो खराब है, जिस कारण परिजनों को हायर सेंटर रेफर करने में सरकारी अस्पताल को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा जो है साफ तौर पर मरीज जो है वो भुगत रहा है। देखिए, हमारे साथ अभी मरीज के एक परिजन मौजूद हैं, जिनकी माताश्री, आपकी माताश्री एडमिट है ना, जिनकी माताश्री का इलाज जो है MGM अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। आइए हम इनसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, इलाज के बारे में जानेंगे कि ये कितना संतुष्ट हैं। अपना नाम बताइएगा। वासुदेव नायक जी। वासुदेव जी, मतलब आपकी मदर यहाँ पे एडमिट हैं, तो हाँ। उनका कब से इलाज चल रहा है और क्या इलाज है, कैसा इलाज है, आप कितना संतुष्ट हैं वो बताइएगा। डॉक्टर के द्वारा कैसा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है? देखिए, हम भर्ती किए हैं मोटा मोटी 10:30-11 बजे में, और खून भी लिए, तो पहले हमने दूसरा जगह एडमिट किए थे, तो उसका किडनी के लिए थोड़ा खून ज़रूरत है, तो हम लोग बोले कि इसका थोड़ा ग्रुप खून जांच करके निकाल दीजिए, हम लोग खून लेंगे जल्दी से। लेकिन वो ऐसे हम लोग को नर्स दीदी बोले कि कल 11 बजे मिले रिपोर्ट मिलेगा। मतलब केवल आपने केवल यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन से जो है ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराने के मांग की, जिसके बदले आप खून की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करेंगे तब हम लोग मरीज को हम ठीक कर पाएंगे, और समय अभी नहीं रहेगा तो लास्ट में हम लोग जुगाड़ करके वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वही हम बोले दीदी को, तो बोला कि नहीं 11:30 बजे आपको कल मिलेगा, तो हम तो ऐसा दुख हो गया मेरा। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अस्पताल में बेड उड की व्यवस्था पर्याप्त मिली है आपको? नहीं, अभी तो हम बोले कि बेड दीजिए हम लोग कपड़ा, तो बोले कि दे देंगे, अभी तक मिला ही नहीं। एक दो बार बोले हम, और कितना बार बोलेंगे बोलिए। अच्छा, ऐसे तो बहुत दिन से दूसरे अस्पताल में दुखी है, और यहाँ भी वैसे ही चल रहा है, क्या कीजिएगा बोलिए। पाकुड़ में किस तरह से गुटखा का पिच, यानी जो सरल भाषा में बोला जाए थूक, एकदम कि मुख्य द्वार पर, जैसे कि कोई भी घर द्वार में या कोई भी बड़े हॉस्पिटल में वेलकम से स्वागत करते हैं, तो इस सोनाजोड़ी स्वस्थ सदर अस्पताल में आपको पिच के थूक के साथ ही वेलकम का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप और इस तरफ भी देख सकते हैं कि किस तरह की पिच और थूक का नज़ारा लगा हुआ है। पूरे अस्पताल में एकदम आप अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह गुटखा का पिच ही नज़र आएंगे, जो कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का ध्वजा उड़ाते नज़र दिखेंगे। कई जगहों पर पिच का थूक का अंबार पड़ा है, गंदगी का, जैसे कि आप शौचालय को देखें या मरीज का, इस जो सोनाजोड़ी सदर अस्पताल पाकुड़ है उसमें एकदम डॉक्टर का भी बहुत काफ़ी कमी है, नर्स का भी काफ़ी कमी है। आए दिन इस तरह का भी मामला आते हैं, जो
एक सप्ताह पहले ही एक डॉक्टर का अभाव से एक दंपति महिला की मौत होगी। हर साल डॉक्टर का अभाव से एक दंपति या दो दंपति या किसी कारण किसी का मौत का तो कभी नवजात बच्चे का मौत होते रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनाजोड़ी सदर हॉस्पिटल का पुरुष शौचालय में। इस शौचालय यहीं से ही इतना बदबू मारते हैं तो अंदर में क्या होगा, आइए आपको अंदर का झलक दिखाते हैं किस तरह है। इस शौचालय पुरुष शौचालय में आप देख सकते हैं कि अभी ऐसे गंदगी का अंबार फैला हुआ है और कितना गंदगी भरा हुआ है। देखिए साफ सफाई के नाम पर जहां एक तरफ सेंट्रल सरकार जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाकर साफ सफाई की बात करते तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कितने गंदगी फैली, इतने बदबू मार रहे हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट आएंगे वो खुद बीमार हो जाएंगे। ये आप शौचालय का हाल देख सकते हैं कितने गंदगी से भरा हुआ है। जो भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे या कुछ अच्छे मरीज आएंगे तो इस शौचालय का अंदर जाते जाते ही खुद एक मरीज बनकर ही बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं कितने गंदगी भरी पड़ी है सदर अस्पताल सोनाजोड़ी पाकुड़ में। कटिहार का सदर अस्पताल नव नवेली दुल्हन की तरह सज धज के तैयार है और हम इस वक्त जहां खड़े हैं ये कटिहार का नया सदर अस्पताल है। ये सदर अस्पताल में क्या व्यवस्था है, क्या कुव्यवस्था है, इस तमाम चीजों का रियलिटी टेस्ट आज इंडिया न्यूज करेगा। इंडिया न्यूज के कैमरे पे हर वो रियलिटी टेस्ट का चेक होगा जो वाकई में जमी पे है या नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कि यहाँ पे डॉक्टर की क्या स्थिति है और कैसे स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है? राजीव चौधरी। यहाँ आए हैं आप परिस के लिए? यहाँ तो 200 बेड का भवन बनकर तैयार है और इसका शिफ्टिंग भी हो चुका है, तो बड़ी समस्या जिले वासियों के लिए है कि चिकित्सकों की कमी, जो चिकित्सक होना चाहिए भवन तो तैयार हो चुका है, शिफ्टिंग भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे चिकित्सकों की काफ़ी ज़्यादा घोर कमी है। मार्च 499 में पूरे जिले में 132 चिकित्सक कार्यरत हैं और हमारे सदर अस्पताल में महज 55 चिकित्सक होना चाहिए, जहाँ 27 और 25 चिकित्सक के भरोसे ही ये पूरा बिल्डिंग का संचालन हो रहा है और मरीज को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री से चाहेंगे कि इस और भी पहल करते हुए यहाँ चिकित्सकों की जो कमी है उसको दूर किया जाए। निश्चित रूप से ये आम जनता है और आम जनता आम जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से जो भवन तो निर्माण हो चुका है, ये भवन के बारे में अगर हम बता दें तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी के कोटे से ये भवन का नींव रखा गया था, लेकिन जब तक सरकार बदली और सरकार के बदलते ही ये पूरे बिल्डिंग का निर्माण हुआ। हालांकि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बनाया है और वाकई में ही ये सच्चाई है कि बीजेपी की सरकार जब थी तो उस समय इसकी भवन का नींव रखा गया था और भवन बनकर तैयार भी हुआ था। अब इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को हुआ है, लिहाजा अब 2 अक्टूबर के बाद व्यवस्था तो सारी है और ये व्यवस्थाएं की बात करें तो एम्बुलेंस भी है यहाँ पे। अब लोगों से जानने का प्रयास ये हमारा लगातार रहेगा, ये रियलिटी चेक रहेगा कि कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पे लोगों को मिलती है और कितनी व्यवस्थाएं के बारे में जो लोग अपेक्षा रखते हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पे सदर अस्पताल कितना खड़ा उतरता है। कुछ लोग हैं, युवा है, युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पाकिट साहब। पाकिट जी, आप अस्पताल आए हैं जी, कितना परेशानी हो रहा है आपको इधर उधर करने में? अभी तो फिलहाल ये चूंकि न्यू बिल्डिंग बनी है तो इसमें अभी सेटिंग वगैरह हो रहा है सब कुछ, बाकी काम सही चल रही है, परेशानी कुछ नहीं है। चूंकि हम लोग आए थे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें फिलहाल, हाँ, स्टूडेंट के लिए नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट, जी जी, तो उसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपना मेडिकल गर्भांश को बनाने के लिए आए थे, सही, नौकरी में देना था, एडमिशन के लिए था। चलिए, ये अपने मेडिकल गर्भांश के लिए आए हुए थे, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे साफ तौर पे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं नहीं है। निश्चित रूप से व्यवस्थाओं की बात हम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ हुआ। कहाँ से? कटिहार से। बुद्धू चौक। बुद्धू चौक जी। अच्छा मोहम्मद जी, आरिफ जी, क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में? अस्पताल में क्या व्यवस्था है हमको पता नहीं है सर, हम नर्सिंग कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज से, तो अब हम आए हैं अपना ये स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड, ठीक है, तो इसमें जांच करवाने बोला है तो हम जांच करवा रहे हैं अभी। कितना सुविधा हुआ जांच करवाने में, कितना सुविधा हुआ? सुविधा ये हुआ जो अभी इसको जांच करवाने में कितना समय लगा, क्या लगा, व्यवस्था कैसा हुआ जांच में? व्यवस्था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है।
हम गए काउंटर में, 2 रुपया लिया हमसे, हमको एक पर्ची दिया ये वाला, और डॉक्टर साहब से गए तो हमको शुगर चेक करके दिया है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। आपके हिसाब से? जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। डॉक्टरों की कमी है सर? उतना तो हम नहीं देखे हैं सर, हम सिर्फ गए तो डॉक्टर अवेलेबल था। अलग अलग राय हैं लोगों की, अलग अलग बातें हैं, निश्चित रूप पे जैसे ही लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और अपने अपने विचार को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अस्पताल में जो बनठंड के जो अस्पताल तैयार है उस पूरे अस्पताल में यही कमी एक नज़र आई है कि अस्पताल बनने को तो बनकर तैयार है लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और इसको जल्द से जल्द पूरा करना, देखना होगा कब तक पूरा कर पाएंगे। हम लोगों ने पूरे अस्पताल के का मुआयना किया, कई मरीजों से बात की, सभी ने अपनी परेशानियां बताई, हम लोगों ने डॉक्टर्स से भी बात करने का प्रयास किया परंतु डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन द कैमरा आना नहीं चाहते और किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। ऐसे में मरीजों का क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता।